उत्तर प्रदेश के जनपद हापुर में आपको बता दें कि सहायक परिवहन विभाग मेरठ रोड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन अधिकारियों को घेरवा किया है। आपको बता दें मौके पर ही सहायक परिवहन अधिकारी शासन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने किसान यूनियन नेताओं के साथ बैठकर वार्ता के मामले में आए सामने आपको तस्वीरें में दिखाए जा रहे किसी वजह से। आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों के नेताओं द्वारा ही 7100 रुपये कार्य करवाने के लिए भेजा गया था। बाहरी व्यक्ति के अधिकारियों को रुपए देने की बात कार्य न कराने का आरोप बाहरी व्यक्ति ने किसान नेताओं के साथ दिमाग पर बैठा गया। आपको बता दें कि आपको तस्वीरें में दिखाया जा रहा देख सकते हैं, जिसके बाद ही कुत्ते के साथ ही सुलझाते हुए सड़क परिवहन अधिकारी शासन राजेश कुमार के सामने बाहरी व्यक्ति 7100 देकर निकाला गया। ये सुनते हैं इनका क्या है बयान। प्राइम बैंक न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। मामला भी हमारे कार्यकर्ता ने आपको बता दिया है, 7100 रुपए रिश्वत का मामला जी। और जहां आज के ऑफिस में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है जी, जहां दलाल आते हैं और दलाल आम किसानों को जी, जो किसान आम जिनको जागरूकता नहीं है, जिनके अंदर जिनको जानकारी नहीं है, उनसे इसी तरीके से पैसे वसूल करते हैं और उस वसूली में ये अधिकारी भी शामिल है। तो मैम अभी कितने रुपए जो आपके रिश्वत से लिए गए थे वो कितने रुपए रिश्वत ली थी जी? और वो इन्हीं के आरटीओ जो ऑफिस यहाँ पे अधिकारी बैठे थे जी, उनके सामने उस बंदे ने वापसी दी। किसान यूनियन जनता की हमेशा आवाज को उठाती है, यहाँ आप लोगों के सामने भ्रष्टाचार का मामला आया, आगे आप लोग क्या जनता के लिए क्या आगे रणनीति? अगर यही काम इनका चलता रहा तो बड़ा आंदोलन भी होगा। और आपका क्या समाधान हुआ समस्या? मेरा नाम सप्पू चौधरी है जी, मैं भारतीय किसान यूनियन का मेरठ मंडल का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैंने एक गाड़ी ली थी, उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कराया था, उसमें मैंने गाड़ी का टैक्स जमा करा, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं सारी पूरी करी। उसके बाद में एक यहाँ तिवारी जी हैं बाबूजी, उन्होंने 7100 रुपये मुझसे ले लिए। मैंने उनसे कहा मैं भारतीय किसान यूनियन से ताल्लुक रखता हूँ और 7100 रुपये की आपको कोई रसीद दी गई थी? नहीं, मुझे कोई रसीद नहीं दी गई। 3000 रुपये की एक रसीद कटी थी ऑनलाइन, वो मुझे मिली थी। 3000 रुपये के बाद में 7100 रुपये जो उन्होंने फालतू लिए थे वो उसकी कोई मुझे रसीद नहीं। यानी वो 3000 रिश्वत के रूप में लिए गए? वो रिश्वत के रूप में लिए गए। अब क्या हुआ आप लोग? अब हुआ जी, हमारे यहाँ पंचायत चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, मासिक पंचायत थी हमारे कार्यालय पर। मैंने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, हमारी महिला जिला अध्यक्ष बबली त्यागी जी, ऐसा मामला था कि कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग थी लोगों के बीच में, जो किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता लोग थे, पदाधिकारी जो थे, वो किसी को जो अपनी गाड़ी का टैक्स वगैरह जो है और ट्रांसफर फीस वगैरह जमा कराने के लिए दिया हुआ था कल से, जो उन्होंने जिस व्यक्ति को दिया था, उनके संबंधित या उनके मिलने वाले थे, उन्होंने ससमय जमा नहीं कराया था, उसके नाते उनके कार्य का संपादन नहीं हो पाया था। चूँकि हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएँ ऑनलाइन हो गई हैं, तो अगर वो फीस शुल्क वगैरह जमा हो गया होता तो आगे की कार्रवाई संबंधित लिपिक द्वारा कर दी जाती। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जब वो यहाँ आने पे आए थे तो उनको लगा कि शायद। न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को